जी मेरी बहन जैसी है। पुलिस का शिकंजा कसते ही नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की सारी हेकड़ी निकलने के साथ ही सुर भी बदल गए हैं। कल तक सोसाइटी की जिस महिला को गालियां देकर अपना रौब झाड़ रहा था, अब वह उसे अपनी बहन बता रहा है। इतना ही नहीं, इसे एक राजनीतिक साजिश भी करार दे रहा है। इस दौरान अब कहां का रहे श्रीकांत, लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है। बताते चलें कि मंगलवार सुबह नोएडा पुलिस श्रीकांत त्यागी को आखिरकार मेरठ से गिरफ्तार करने में कामयाब रही और 14 दिन की हिरासत में जेल भेजा। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे श्रीकांत ने चकमा देने की असफल कोशिश की, वे बहुत ही शातिर तरीके से खुद को बचाने में लगा था। फ्राइडे सैटरडे संडे तक हम लोग काफी आगे पीछे उस मेन एक्यूज के रहे। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्वेलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया। इतना ही नहीं, उसके शौक और रसूख के बारे में भी कई अहम बातें सामने आई हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि श्रीकांत के पास से 5 वाहन जब्त किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कार नंबर पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। सभी कारों का सीरियल नंबर 001 कॉमन है। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज है, और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। इसके अलावा श्रीकांत की गाड़ी पर विधायक को मिलने वाला स्टिकर भी लगा है। इसके साथ ही उसी गाड़ी में से वॉकी टॉकी भी बरामद हुआ। बताया जाता है कि वह सोसाइटी में रौब भी झाड़ा करता था। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। वैसे तो श्रीकांत त्यागी छुटवैया नेता मात्र ही था, मगर पति पत्नी दोनों 7 गनर की सुरक्षा के साथ चलते थे। श्रीकांत त्यागी के पास 5 गनर थे और उसकी पत्नी के साथ 2 गनर चलते थे। कहा जाता है कि 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी में आने के बाद उसने सत्ता के गलियारों में तेजी से पकड़ बनाई और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उसका उठना बैठना शुरू हुआ। बताया जाता है कि 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी उसने बीजेपी के बड़े नेताओं के आने पर भीड़ जुटाने से लेकर दूसरे इंतजाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे वह कई बड़े नेताओं का खास बनता चला गया था।